So good morning all of you. So today we will start our physical science, pedagogy of physical science, be it third semester. Okay, so today we'll start the unit 1 of physical science. ठीक है, तो आप लोग के रिक्वेस्ट में ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूँ बिकॉज द एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर. सो लेट अस स्टार्ट विद द यूनिट 1. So please like and subscribe the channel so that when the next video will be uploaded, then you can see the video and you can prepare for your exam. Okay, so let us start. So this is unit 1. Unit 1 iska actually physical science mein hamara we are having 5 units. That is, unit 1 is your science curriculum. Then unit 2 is basically instructional material for physical science teaching. Then unit 3 is lifelong physical sciences learning. Unit 4 is professional development of physical science teacher. And fifth last one is your evaluation in physical science. Okay, so let us start with the first unit, science curriculum and टेस्ट बुक. तो हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, पहले यूनिट में साइंस करिकुलम देखने वाले हैं एंड टेक्स्ट बुक का इम्पोर्टेंस क्या है, टेक्स्ट बुक क्या है, उसमें वो रिसर्च हम लोग को कैसे हेल्पफुल कर रहा है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं. तो पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ करिकुलम. सो करिकुलम हम लोग जानते हैं, करिकुलम इट इज़ ए कॉमनली अंडरस्टूड टू मीन ए कोर्स ऑफ स्टडीज. ये कोर्स ऑफ स्टडी है क्योंकि ये जो लैटिन वर्ड क्यूरी से डिराइव हुआ है, दैट मीन्स व्हिच मीन्स रन अवे और टू रीच द गोल. तो ये एक इट इज़ द सोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. मतलब ये प्रोसेस ऑफ एजुकेशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि विदाउट करिकुलम हम लोग एजुकेशन को आगे नहीं ले सकते हैं. करिकुलम चाहिए, विदाउट करिकुलम हम लोग कैसे एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हैं. सो इट इज़ द सोल ऑफ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, राइट. इट इज़ द सोल ऑफ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. सो करिकुलम इन्वॉल्व फ्रॉम लाइफ इट सेल्फ एंड सच एज करिकुलम प्लानिंग शुड बी लाइफ सेंटर्ड. लाइफ सेंटर्ड होना चाहिए. तो सिमिलरली बहुत सारा डेफिनेशन दिया गया है, जैसे कि हम लोग देखिए कैटर वी गुड, वो कुछ डेफिनेशन दिए हैं करिकुलम. करिकुलम एज अ जनरल ऑल ओवर प्लान ऑफ कंटेंट एंड स्पेसिफिक मटेरियल ऑफ इंस्ट्रक्शन. प्लान ऑफ कंटेंट एंड स्पेसिफिक मटेरियल भी है दैट द स्कूल शुड ऑफर. स्कूल बच्चों को ऑफर करता है फॉर क्वालिफाइंग हिम फॉर ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेशन. सर्टिफिकेशन और ग्रेजुएशन के लिए बच्चों को क्वालिफाई करता है थ्रू दिस करिकुलम. इट इज़ ए कंटेंट, इट इज़ ए मटेरियल ऑफ इंस्ट्रक्शन. ओके, सो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्रॉ एंड क्रो करिकुलम को कैसे डिफाइन किए हैं. करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्नर्स एक्सपीरियंस इन एंड आउटसाइड स्कूल दैट आर इंक्लूडेड इन साइड स्कूल एंड आउटसाइड स्कूल. क्या एक्सपीरियंस है लर्नर्स का दैट सो दैट दे कैन डेवलप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड मोरली. तो ये होता है क्रॉ एंड क्रॉ उनका डेफिनेशन. सो लाइक दिस डिफरेंट डेफिनेशंस आर गिवेन. सो देन वी विल मूव टू द स्टेट करिकुलम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द करिकुलम. तो करिकुलम का कैरेक्टरिस्टिक कैसे होना चाहिए. तो पहला चीज़ है कि जो ऑब्जेक्टिव हम लोग पहुंचना चाहते हैं, जिस ऑब्जेक्टिव में, उसके हिसाब से करिकुलम होना चाहिए. ठीक है, द कंटेंट शुड बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव. देन सेकेंड होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर. जो सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर करिकुलम होना चाहिए. देन ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो कि फिजिकल मेंटल एक्टिविटी से भी रिलेटेड होना चाहिए, विद अलॉन्ग विद नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड. देन द कोर्स ऑफ कंटेंट शुड बी फुल ऑफ डायरेक्ट सिग्निफिकेंस. लाइफ प्रॉब्लम एंड एक्टिविटीज से डायरेक्ट सिग्निफिकेंस होना चाहिए. ओके, देन ऐसा करिकुलम होना चाहिए ताकि इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन और इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ज़्यादा फोकस किया जाए, स्टूडेंट को अच्छा लगे, फील प्लेजर इन कंप्लीटिंग देम. ओके, सो द एक्टिविटीज टू प्रोवाइड डायरेक्ट एंड कंक्रीट एक्सपीरियंस फॉर इज पॉसिबल. देन एक्टिविटी पर्टेनिंग करिकुलम ऑफ साइड शुड इंक्लूड एबुंडेंट अपॉर्चुनिटी इन कनेक्टेड स्किल एप्टीट्यूड वेरियस लाइफ सिचुएशन के साथ कैसे हम लोग डील कर सकते. तो करिकुलम इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक उसका होना चाहिए, बच्चों का इंटरेस्ट रहना चाहिए, इस टाइप का करिकुलम होना, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए. देन हम लोग ऐसा करिकुलम करें जो कि हम लोग को ऑब्जेक्टिव अचीव करने में ईजी हो. मेन ऑब्जेक्टिव को देख के हम लोग को करिकुलम डिज़ाइन करना है. ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम.
सो नेक्स्ट इज आवर प्रिंसिपल ऑफ साइंस करिकुलम. साइंस करिकुलम का क्या क्या प्रिंसिपल्स होना चाहिए. ओके सो बेसिकली हम लोग का 10 प्रिंसिपल्स हम लोग यहाँ पे लिए हैं. जैसे कि पहला है प्रिंसिपल ऑफ नीड. ये जो साइंस करिकुलम हम लोग कर रहे हैं वो करिकुलम अकॉर्डिंग टू नीड डिज़ाइन होना चाहिए. प्रिंसिपल कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, शुड डिपेंड अपॉन द नीड ऑफ द पीपल. दैट इज़ डिफरेंट करिकुलम फॉर अर्बन एंड रूरल चिल्ड्रेन शुड बी देयर. जैसे अर्बन चिल्ड्रेन और रूरल चिल्ड्रेन है उनका डिफरेंट नीड है, तो उस हिसाब से हम लोग को करिकुलम बनाना चाहिए. ठीक है, देन उसके बाद हम लोग का है प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्डनेस. फॉरवर्डनेस द करिकुलम डिज़ाइन शुड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट. जैसे कि हम लोग को ऐसे करिकुलम करना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ये डेवलप करना चाहिए. कम्युनिटी सेंटर्डनेस, कम्युनिटी के हिसाब से, इंटरेस्ट से हिसाब से भी नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी शुड बी ऑल्सो फोकस्ड वाइल डिजाइनिंग द करिकुलम. देन चाइल्ड सेंटर्डनेस, चाइल्ड सेंटर्डनेस मीन्स हम लोग करिकुलम किसके लिए बनाए, बच्चों के लिए. तो इट शुड सेंटर्ड अराउंड द नीड इंटरेस्ट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड. देन यूटिलिटी, हम लोग जो करिकुलम कर रहे हैं उसका यूटिलिटी क्या है. ओके हम लोग का लाइफ में उसका यूटिलिटी क्या है. सेल्फ फुलफिलिंग ऑफ द लाइफ, इट शुड प्रोवाइड द चाइल्ड बोथ एकेडमिक एंड सोशल ग्रोथ. ये यूटिलिटी होना चाहिए. इंटीग्रेशन, चाइल्ड नीड एंड एक्टिविटी ऑन वन हैंड, नीड ऑफ सोसाइटी. एक तरफ हम लोग को इंटीग्रेट करना है, सोसाइटी का भी नीड को देखना है, चाइल्ड का भी नीड देखना है. दोनों को इंटीग्रेट करके हम लोग को करिकुलम डिज़ाइन करना है. दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन. देन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस करिकुलम. बैलेंस करिकुलम होना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वर्क दोनों इक्वली रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम थ्योरी पढ़ लेंगे प्रैक्टिकल नहीं होगा. सो इट शुड नॉट बी दे आर लाइक दैट. सो हम लोग को प्रैक्टिकल्स भी लेना है, थ्योरी भी लेना है. क्रिएटिविटी होना चाहिए, ड्यू टू क्रिएटिविटी चाहिए. चिन्हों करिकुलम शुड बी फ्रेम्ड सो दैट इट प्रोवाइड चांस टू डिस्कवर, क्योंकि हमेशा डिस्कवर होना चाहिए. साइंस में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग जितना डिस्कवर करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, हम लोग का उतना ही डेवलपमेंट होगा, प्लस नेशन का भी डेवलपमेंट होगा. देन कंजर्वेशन, वाइल कंस्ट्रक्टिंग करिकुलम दोज टॉपिक्स शुड बी इंक्लूडेड विच हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन. ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिसमें कि हमारा सिविलाइजेशन लैप्स ना हो, हमारा कल्चर लैप्स ना हो, वो भी आगे बढ़ते रहे. ओके दैट इज योर कंजर्वेशन. कंजर्वेशन मीन्स कभी डिस्ट्रॉय ना हो. ओके देन लास्ट वन इज योर प्रिंसिपल ऑफ रेडनेस. द करिकुलम शुड बेस्ड ऑन द साउंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग. लर्निंग एनवायरमेंट शुड बी गेट टू द, ऐसा होना चाहिए जैसे लर्निंग एनवायरमेंट भी क्रिएट हो. ओके सो देर आर 10 प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन. दैट इज नीड, फॉरवर्डनेस, कम्युनिटी सेंटर्डनेस, चाइल्ड सेंटर्डनेस, यूटिलिटी, इंटीग्रेशन, बैलेंस्ड करिकुलम, क्रिएटिविटी, कंजर्वेशन एंड रेडनेस. देन स्टेप्स और मेजर्स टू बी टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस करिकुलम. क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए हम लोग को जब हम लोग करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं. द कन्फर्मिटी विद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दोनों रहना चाहिए ऑफ अचीविंग द साइंस गोल. रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट एज ग्रुप के इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए. मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए. इट शुड कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ, जैसे हम लोग देखें वेराइटी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल. वो ज़्यादा मतलब हम लोग अभी जो पढ़ रहे स्टेप्स एंड मेजर्स एंड द प्रिंसिपल दे आर क्लोजर टू ईच अदर. ठीक है, अप्रिशिएशन ऑफ वर्क एंड सेक्रीफाइस शुड बी सच दैट डील विथ अंडर स्टिपुलेटेड कंडीशन, स्टाफ, इक्विपमेंट. जैसे कि हम लोग को ऐसे करिकुलम करना है, हम लोग करिकुलम ऐसे बना है बट हमारे पास अवेलेबल इक्विपमेंट नहीं है, अवेलेबल टाइम नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो हम लोग करिकुलम कभी फुलफिल नहीं हो सके. तो हम लोग इस हिसाब से करिकुलम बनाना है ताकि हम लोग सबको अडोप्ट करके करिकुलम को फोकस कर पाएँ और अचीव कर पाएँ. द कोर्स शुड बी डिवाइडेड इन टू यूनिट्स. ईच शुड कंटेन एसेंशियली मेजर प्रॉब्लम ऑफ एवरी डे लाइफ. ईच यूनिट शुड अगेन बी डिवाइडेड सबऑर्डिनेट प्रॉब्लम्स फैसिलिटेट लर्निंग बाई द पीपल्स. सो ये रहा आपका स्टेप्स टू मेजर टेकन टू डेवलप द साइंस करिकुलम. देन डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट. हम लोग जब करिकुलम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, करिकुलम बना रहे हैं, तो हम लोग को क्या क्या अप्रोच लेना है. ओके जैसे कि द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम इज नथिंग बट द वे विच करिकुलम इज क्रिएटेड, स्पेशली द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ करिकुलम. इट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द करिकुलम इन द सब्सटेंटिव एंटिटी. द पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट क्या क्या है, क्या क्या हम लोग को देखना है ऑर्गेनाइज करने के समय. एम्स, स्कूल्स एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैटर, लर्निंग एक्सपीरियंस, इवैल्यूएशन प्रोसेस, दिस थिंग विज नीड टू सी वाइल अप्रोचिंग फॉर द करिकुलम. देन कितना अप्रोच है हमारा करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन का. देर आर 6 अप्रोचेस, लॉजिकल, साइकोलॉजिकल, टॉपिकल, कंसेंट्रिक, स्पायरल एंड चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम. ओके तो हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं, राइट. तो पहला क्या है, लॉजिकल अप्रोच है. दिस इज वेरी यूजफुल
इन कंस्ट्रक्टिंग साइंस करिकुलम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक्स को लॉजिकली अरेंज करते हैं, करिकुलम में टॉपिक्स को लॉजिकली अरेंज। कैसे, पहले हम लोग नॉलेज ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल थिंग पहले जानना चाहिए, उसके बाद हम लोग डीप जानना चाहिए नॉलेज में। सो लॉजिकली हम लोग करिकुलम को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का एक एग्जांपल दिया गया है, द साइंस द टॉपिक आवर बॉडी इज एसेंशियल देन अंडरस्टैंडिंग आवर हेल्थ प्रोटेक्शन फर्स्ट एड। सो हम लोग धीरे धीरे इजी से कम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो लॉजिकली हम लोग डिजाइन करना चाहिए अप्रोच। देन इसका मेरिट क्या है, टॉपिक्स आर अरेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, स्टूडेंट डेवलप लॉजिकल थिंकिंग। ओके, डीमेरिट्स क्या है, डिफिकल्ट फॉर टीचर्स टू अरेंज टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द अप्रोचेस। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टीचर के लिए अरेंज करने के लिए, क्योंकि कोई कोई बच्चों को एक कोई टॉपिक ईजी लगता है, कोई डिफिकल्ट रहता है। तो इसको हम लोग को सबको देख के करिकुलम डिजाइन करना, नॉट पॉसिबल टू अरेंज ईच एंड एवरी टॉपिक इन दिस अप्रोच। देन साइकोलॉजिकल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच में क्या होता है, द कंटेंट इज ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल नीड, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट एज, मैच्योरिटी, इंटरेस्ट, नीड, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको देख के हम लोग को करिकुलम बनाना चाहिए। साइकोलॉजिकल अप्रोच, स्टूडेंट का इंटरेस्ट, स्टूडेंट का मैच्योरिटी, एज लेवल, ये सारा देख के हम लोग को करिकुलम बनाना चाहिए। टॉपिकल अप्रोच मीन्स द टॉपिक्स फॉर द स्टडी आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द, इस हिसाब से हम लोग को टॉपिक लेना है ताकि वो एज और एबिलिटी और इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन से डील करें, ठीक है। सर्टन टॉपिक्स ऑफ स्टडी, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखिए इन दिस अप्रोच सर्टन टॉपिक्स ऑफ स्टडी सुटेबल फॉर एज एवरी इंटरेस्ट ऑफ मेकअप द होल सिलेबस। ओके, ईच टॉपिक वे स्टैंड फॉर बाई इट सेल्फ एंड ऑल द टॉपिक्स आर रेदर कुड बी कनेक्टेड, ऑल टॉपिक्स में भी कनेक्टेड है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, टॉपिक्स लाइक एसिड, रेन, पॉल्यूशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोलॉजी इंक्लूडेड इन द बायोलॉजी केमिस्ट्री सिलेबस शुड बी इलेवन स्टूडेंट्स वर्ल्ड। इन स्टडिंग द सब्जेक्ट द पीपल कैन कंसेंट ऑन वन टॉपिक एट अ टाइम, इसको जब कंसेंट्रेट कर रहे हैं तो एक ही टॉपिक को वो एट अ टाइम पढ़ सकेंगे। प्रिंसिपल क्या है, टॉपिकल मेथड इज बेस्ड ऑन द यूटिलिटी ऑफ टॉपिक, कंप्लीट एग्जेशन ऑफ द, हम लोग एक ही बार जब पढ़ाना स्टार्ट किया हम लोग कंप्लीट करेंगे सिलेबस। ओके, होल यूनिट को एक ही बार हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं इस अप्रोच में, कंप्लीट द होल यूनिट, लेस नंबर ऑफ यूनिट इन द सिलेबस विल इजीली कंप्लीटेड। इसमें डीमेरिट्स क्या है, इन एवरी टॉपिक देर विल बी ईजी एज वेल ए डिफिकल्ट पोर्सन, तो विच इज हाईली साइकोलॉजिकल व्यू ऑफ पीपल्स, ईजी और डिफरेंट दोनों होते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों को कवर कराने में। लेंदी यूनिट जो कि 2 to 3 months लग जाएगा कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हम लोग एक ही बार वो टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं टॉपिकल अप्रोच में। देन कंसेंट्रिक अप्रोच में क्या है, इन इट इज़ अ करिकुलम अप्रोच बाय विच द पीपल रिपीट द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट और टॉपिक 2 or 3 grade levels, मतलब एक लेवल में पढ़े फिर और थोड़ा डिफिकल्ट वही टॉपिक को हम लोग फिर से दूसरे क्लास में पढ़े, दिस इज़ योर कंसेंट्रिक अप्रोच। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं, सपोज जब हम लोग वी आर टीच पीपल अबाउट लाइट इन हाई स्कूल, देन अब जब हम लोग एंड दोज आर लर्न द कंटेंट विच इज़ डिवाइडेड टू सम पार्ट, अगेन हम लोग उसको 8, 9, 10 में आगे बढ़ के भी 10 में पढ़ के फिर 11 में भी पढ़ते हैं। कुछ टॉपिक ऐसा भी है जैसे कि हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, 8, 9, 10 से पढ़ रहे हैं, अगेन 11, 12 में भी हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही टॉपिक थोड़ा मतलब एडवांस वर्जन में हम लोग पढ़ते हैं बट सेम टॉपिक रिपीट होता है। सो दिस इज योर कंसेंट्रिक अप्रोच। स्पायरल अप्रोच में क्या है, द कंसेप्ट ऑफ एरर रिप्लेस नॉट ओनली टू द वर्टिकल इंटीग्रेशन बट ऑल्सो टू द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, हियर द कंटेंट इज ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द इंटर रिलेशन बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक आइडियाज। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिंग ऑन द एज एंड एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी शुड बी ग्रेडेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यंग चिल्ड्रेन स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ इन होम, स्कूल, नेबरहुड, इन नेक्स्ट स्टेज दे स्टडी द हेल्थ प्रॉब्लम एट स्टेट एंड नेशनल हेल्थ एजेंसी। तो ये क्या होता है ना, हम लोग पहले हम लोग होम एंड नेवर में पढ़े, उसके बाद हम लोग नेशनल स्टेट एंड नेशनल हेल्थ एजेंसी में उसको पढ़े, तो ये सारा हो सकता है। ओके, सो द टॉपिक्स विल बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द मेंटल एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन। यहाँ पे मेन चेंज क्या है, मेंटल एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन के ऊपर हम लोग को टॉपिक बनाना है, जनरल स्टेज एंड गो टू द डिफिकल्ट स्टेज, सिंपल स्टेज से स्टार्ट करना और उसके बाद डिफिकल्ट स्टेज में पहुँचना है। देन यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, स्टूडेंट फील मोनोटोनस एज दे स्टडी द सेम टॉपिक एट डिफरेंट लेवल, सेम टॉपिक को पढ़ रहे हैं बार बार, इसलिए वो थोड़ा मोनोटोनस फील करते हैं। इट रिक्वायर्स वेरी एफिशिएंट टीचर, क्योंकि वही टॉपिक को थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में लेंगे तो एफिशिएंट टीचर हम लोग को करना है। ओके,
देन हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम. ओके, तो यहाँ पे देखिए चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में क्या है. चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम मीन्स द करिकुलम को हम लोग को ऐसे करना है ताकि वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, चाइल्ड के इंटरेस्ट के हिसाब से करिकुलम बनाना है. इट इज़ नोन एज चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम. देन साइंस करिकुलम स्टेट पोजिशन पेपर ए पी आंध्र प्रदेश स्टेट करिकुलम फेयर मार्क 2011 ऑन साइंस. ओके, सो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है ए पी स्टेट करिकुलम का. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, एंसरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड आउट फ्रॉम रोट मेथड, मतलब रटना नहीं है उससे आगे भी होना है थोड़ा, मतलब कॉग्निटिव आइडियाज़ लगाना है. देन बिल्डिंग चाइल्ड्स नॉलेज पोटेंशियलिटी टैलेंट डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी. नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू पास एनी बोर्ड एग्जाम टिल कम्प्लीशन ऑफ एलिमेंट्री. एलिमेंट्री नहीं करने के बाद करने से पहले बोर्ड एग्जाम नहीं हो पाएगा. सो ये सारा है एपी स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क. ओके, सो देन नेक्स्ट इज योर नेशनल फोकस ऑन ग्रुप पोजिशन पेपर ऑन साइंस. सो द प्रेजेंट नेशनल फोकस ग्रुप रिकॉग्नाइज द एफर्ट मेड इन द पास्ट टू क्रिएट एन आइडियल साइंस करिकुलम. ओके, हाउएवर ए लॉट ऑफ वर्क रिमेन टू बी, बहुत सारा काम अभी करिकुलम में डिजाइन होना बाकी है. एनएफजी हैज़ ऑल्सो हाईलाइटेड द मेन इशूज टू मेक साइंस हाईलाइटेड. वो कुछ मेन इशूज भी लिए हैं. तो क्या क्या इशूज लिए हैं, जैसे कि एनएफजी क्या क्या इशूज लिए हैं यहाँ पे नेशनल फोकस ऑन ग्रुप पोजिशन. कंटेंट लोड सिलेबस फ्रेमर टेक्स्ट बुक राइटर नीड टू चूज वट टू इंक्लूड फॉर द मास लेवल, मतलब ऐसा लेना है जैसे इस मासेस के लिए हम लोग को क्या कंटेंट, क्या करिकुलम हम लोग को डिजाइन करना, कैसे हम लोग साइंस का टॉपिक चूज करेंगे. साइंटिफिक रिगर द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी चूजन फोकस ऑन कंसेप्ट एंड साइंटिफिक एटीट्यूड. उस हिसाब से हम लोग को टॉपिक चूज करना है. ओके, देन नॉर्मेटिव कंसर्न वाइडन द पॉपुलर वैल्यूज, वाइडन करके बताना है. इंटर रिलेशन बहुत सारे डिसिप्लिन के बारे में, जो डिसिप्लिन है उसके बीच में क्या रिलेशन है, ये सारा पॉइंट्स हम लोग को मेजर इशूज टू बी एड्रेस. कंटेंट साइंटिफिक रिगार्ड नॉर्मेटिव कंसर्न इंटर रिलेशनशिप एमोंग डिसिप्लिन. ओके, सो एनएफजी फोकसेस ऑन फॉलोइंग एम टू नो एप्लीकेशन. ओके, एप्लीकेशन कंसिस्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंटल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, रिलेट टू एनवायरमेंट नर्चर का नेचुरल क्यूरियोसिटी एस्थेटिक साइंस ब्यूटीफुली, मतलब कितना साइंस का क्या चीज़ है जो कि बच्चों को अट्रैक्ट करेगा, कैसे बच्चे क्रिएटिव होंगे, ये सारा भी हम लोग को देखना है. ओके, सो नेक्स्ट वील मूव टू टेक्स्ट बुक. ओके, सो टेक्स्ट बुक तो आप लोग जानते हैं, टेक्स्ट बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, क्योंकि वही एक रिसोर्स मटेरियल है जिसमें हम लोग को, हम लोग बच्चे घर में भी पढ़ सकते हैं, प्लस टीचर को भी बहुत सारा हेल्प होता है. जैसे टीचर अपने सिलेबस बनाते हैं, कैसे वो किस फ्लो में पढ़ाएंगे, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स दे आर गोइंग टू टीच द स्टूडेंट, देन बच्चे यहाँ से एक्सरसाइज कर पा रहे हैं. तो टेक्स्ट बुक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक इंपॉर्टेंट लर्निंग रिसोर्स है, राइट. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ ए साइंस टेक्स्ट बुक. तो क्या क्या फंक्शन है साइंस टेक्स्ट बुक का, द सब्जेक्ट मैटर शुड बी इंटर रिलेटेड, देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए टॉपिक्स में, सब्जेक्ट में. सब्जेक्ट में शुड डिस्क्राइब इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल मैनर, इंटरेस्टिंग मैनर में डिस्क्राइब, क्योंकि ये साइंस है. अगर जितना हम लोग एक्सपेरिमेंट, जितना हम लोग ऑब्जर्वेशन करके बच्चों को दिखाएंगे, बच्चे उतने इंटरेस्ट होंगे. उस हिसाब से हम लोग को एग्जाम्पल लेके एक्सपेरिमेंट लेके करना है. इन अकॉर्डेंस टू द स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से हम लोग का टेक्स्ट बुक रहना चाहिए. सब्जेक्ट मैटर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रहना है. द लेसन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इजी टू डिफिकल्ट. इजी टू डिफिकल्ट होना चाहिए. जैसे हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले यूनिट डायमेंशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग जो पर्टिकुलर चैप्टर में मोशन, योर लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, इजी से डिफिकल्ट की तरफ मूव करते हैं. जैसे कि हम लोग एट क्लास में फोर्स, देन वर्क, देन पावर, देन एनर्जी. तो पहले हम लोग को फोर्स पता चला, फोर्स क्या है, देन हम लोग गए वर्क में, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. पहले हम लोग को जानना है वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट. तो हम लोग इजी टू डिफिकल्ट की तरफ मूव कर रहे हैं साइंस में, ठीक है. सो शुड बेस्ड ऑन मॉडर्न एंड प्रैक्टिकल मेथड, देन फॉर्मूला, सिंपल डेफिनेशंस, नोमेनक्लेचर, ये सारा रहना चाहिए. एडवांटेज क्या है, इट इज़ ए इकोनॉमिकल डिवाइस टू टीच, ठीक है, हम लोग इजीली बुक से पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक है, ठीक है. इट इज़ इट गिव्स अ बिगिनर ए ग्रास्प ऑफ न्यू मैटर, देन डिरेक्शन द टीचर्स ऑफ पीपल वो इजिली फॉलो कर सकते हैं. सेव्स टाइम एंड एनर्जी ऑफ द टीचर एंड पीपल. हम लोग अगर दूसरे जगह से ढूंढने लगेंगे हम लोग का टॉपिक क्या है तो हम लोग को टाइम लग गया, तो बुक होगा तो हम लोग को एक
प्रोसेस एक स्टेप मिल जाएगा, हम लोग किस वे में पढ़ाएंगे बच्चों को या फिर बच्चे किस हिसाब से पढ़ेंगे ताकि वो अपना गोल अचीव कर पाए। ओके सो नेक्स्ट इज योर क्वालिटीज ऑफ ए साइंस टेक्स्ट बुक। द ऑथर्स क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देख के क्वालिटीज अच्छा होना चाहिए, अच्छे ऑथर लेने चाहिए, एम सब ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर रहना चाहिए। तीन चीज़ आपको देखना है बेसिकली, क्या ऑथर्स क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर नीड टू बी अटेंशन जैसे कि अकॉर्डिंग टू द एज एंड मेंटल एबिलिटी, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ क्लास, रिसेंट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल एंड रियल थियोरेटी एंड एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन, ये सारा होना चाहिए। लेटेस्ट डेवलपमेंट इनोवेशन होना चाहिए। ओके कंटेंट शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंटिंग ऑर्डर, द कंटेंट शुड बी कोरिलेटेड विद अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड होना चाहिए। सो दीज आर द सब्जेक्ट मैटर नीड द अटेंशन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। देन उसके बाद हमारा आया ये सब्जेक्ट मैटर। देन हम लोग देख रहे हैं स्टाइल एंड लैंग्वेज का, इसकी स्टाइल का और क्या लैंग्वेज हम लोग बुक में यूज़ करें। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए, कोटेशन शुड बी इन इटैलिक, ठीक है, इट शुड हैव ए ग्लॉसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स यूज इन द टर्म्स यूज इन द बुक, ये सारा होना चाहिए। इलस्ट्रेशन टेक्स्ट बुक शुड वेल इलस्ट्रेट विद फिगर्स अप्रोप्रिएट डायग्राम्स पिक्चर्स, ये लेके बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए बुक में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल, डिटेल टेबल ऑफ द कंटेंट, इंडेक्स कंटेंट और इंडेक्स होना चाहिए ताकि बच्चे कंटेंट देख के बुक फॉलो करके पढ़ पाए। ओके ये सारा होना चाहिए। तो नेक्स्ट है मैकेनिकल फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक, साइज ऑफ लेटर, पेपर साइज, ये सारा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बुक अट्रैक्टिव नहीं होगा तो हम लोग थोड़ा इंटरेस्ट नहीं रहता है पढ़ने में। देन अदर स्पेशल फीचर्स जैसे कि कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए, लैबोरेटरी हैंडबुक, कभी कभी एक्स्ट्रा हैंडबुक्स रहता है पीछे में आप लोग देख लीजिएगा, कुछ फॉर्मूलाज कभी चार्ट वगैरह रहता है। सो दीज आर द अदर स्पेशल फीचर्स। सो क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए, अदर्स क्वालिफिकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, ये तो इंपॉर्टेंट है पहले। देन उसके बाद ये दिस दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें बोली थी पहला थ्री पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लैंग्वेज एंड स्टाइल, इलुस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड देन अदर स्पेशल फीचर्स। देन वी विल मूव टू लर्निंग रिसोर्स फॉर फिजिकल साइंस, एक्सप्लोरिंग अल्टरनेट रिसोर्सेज। ओके लर्निंग रिसोर्सेज, नेचुरल लर्निंग रिसोर्स कैन बी यूज मेकिंग करिकुलम चॉइसेस। तो लर्निंग रिसोर्सेज देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया, वन ऑन द स्कूल ग्राउंड सर्टन थिंग्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज अवेलेबल सच एज सॉइल, प्लांट, ट्रीज, ये सारा अवेलेबल है, ठीक है। तो इनफैक्ट मेनी लर्निंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द स्कूल ग्राउंड, क्लासरूम, किचन, बाथरूम। तो लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो स्कूल का ग्राउंड हो या फिर हम लोग कहीं पे भी कुछ भी है के एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं, तो उस टाइप का रिसोर्स हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं नेचुरल पीएच इंडिकेटर, सम नेचुरल पीएच इंडिकेटर दैट कैन यूज टीचिंग लर्निंग आर बीड्स, टर्मरी, कलर चेंज, ये सब नेचुरल हम लोग साइंस में पीएच इंडिकेटर के हिसाब से इनको लेके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देन पुलिस के वॉशिंग मशीन, जनरेटर, प्रोजेक्टर्स, लॉन्च जम्प ऑफ एथलेट्स, ये सारा एग्जाम्पल्स हम लोग बच्चों को दे सकते हैं। लेंसेस एंड कैमरा के लिए एग्जाम्पल कैमरा, सनग्लास, ड्राइवर साइड मिरर, फिल्टर, जूट, ऊल, कटन, इसको हम लोग एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हैं। कॉमन सल्ट, सेलिब्रिटी, कंसंट्रेशन, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ओके सो लर्निंग रिसोर्स फॉर फिजिकल साइंस, एक्सप्लोरिंग अल्टरनेट रिसोर्सेज। देन यूजिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्स इज एनीथिंग, ये क्या है, इट इज एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कम्युनिटी। ये जो रिसोर्स है ये ऐसा चीज है जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम्युनिटी में इम्प्रूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी टूल बॉक्स। ओके सो टेकिंग स्टूडेंट ऑन द फील्ड ट्रिप और यूजिंग, जैसे हम लोग कभी बच्चों को टूर में ले जाते हैं, फील्ड ट्रिप में ले जाते हैं, क्लासरूम में, इट इज नॉट ए न्यू आइडिया फॉर टीचर, करिकुलर डिफरेंट साइंस कॉल्स फॉर ए न्यू लुक एट यूजिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज। कुछ कभी कभी हम लोग को कम्युनिटी रिसोर्सेज भी यूज़ करना है एज ए साइंस करिकुलम के हिसाब से, ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्स दैट कैन एनहांस लर्निंग इंक्लूड साइंस सेंटर टू विजिट, म्यूजियम्स, इंटरेक्टिव साइंस एक्वेरिया, गार्डन, जू, इसमें हम लोग को ये रिसोर्स भी यूज़ करना है साइंस करिकुलम के लिए, ठीक है। सो कम्युनिटी रिसोर्सेज कैन बी यूज इन टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस, आइदर बाई ब्रिंगिंग कम्युनिटी टू क्लास और बाई टेकिंग क्लास टू द कम्युनिटी, या इधर हम लोग कम्युनिटी को क्लास में लाए या फिर क्लास को कम्युनिटी में लेके उनको बच्चों को समझा सके। ओके
bringing community to the class. Teacher must explore opportunity for active engagement of parents and community in teaching learning process. जैसे कि learners can visit their place of work also. Member of variety community to community, some examples are electrician, domestic wiring, short circuit, fuse, switches, carpenter, lever, torque, potters, rotational motion, centrifugal force. तो ये सारा हम लोग का हो सकता है किसमें, bringing community to the class. Okay, so this is the first unit of फिजिकल साइंस. आई होप आप लोग को समझ में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा, क्योंकि करिकुलम तो हम लोग ऑलरेडी मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं. ओके, सो उसके बाद हम लोग का जो अप्रोच है मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं, तो आप लोग को थोड़ा इजी लगा होगा. देन हम लोग यहाँ पे पढ़े क्वालिटीज ऑफ ए साइंस टेक्स्ट बुक. ओके, तो उसके बाद हमारा जो रिसोर्सेस है, लर्निंग रिसोर्सेज फॉर फिजिकल साइंस, देन यूजिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज, ये सारा हम लोग पढ़े. ओके, सो होप आप लोग को अच्छा लगा होगा. Okay, so thanks for watching the video. So in the next class we will go into next unit. Okay, so like and subscribe the video. Agar aap log ka ye pehla class hai, then you can also see my other videos on pedagogic of mathematics and also some videos on learning assessment. Okay, so like and subscribe the channel to get more update on the topics. Okay, so thank you, have a good day, bye.